हेलो दोस्तों, आप सबका प्रीतिस किचन डायरी में स्वागत है। आज बनाते हैं गोवा स्टाइल में हम मटर पनीर। गोवा स्टाइल पनीर बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। एक टमाटर को बॉईल करके प्यूरी बना लिया है। हरी मटर है, इसको बॉईल कर लिया है। एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का। मस्टर्ड ऑयल है। लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 चम्मच खड़ी धनिया ली है। 4 लौंग, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च, खड़ी लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। 1 स्पून मैंने नारियल का बुरादा लिया है। 1 चम्मच पोस्ता दाना या खसखस। मैंने प्याज का हमने पीछे का हिस्सा कट कर लिया है और इसको गैस पे मुझे भुनना है, ऐसे ही खड़ा। सबसे पहले हम नारियल का बुरादा हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना मुझे। नारियल का बुरादा हमारा हल्का सा रोस्ट हो गया है। नारियल बुरादा हमने खा लिया। लाल मिर्च, काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी, लौंग और खसखस डाल के इसको हम भुनेंगे। इसको पोस्ता दाना भी कहते हैं, खसखस भी बोलते हैं। प्याज देख लेते हैं हमारा कितना हो रहा है। अच्छे से इसको पलट दीजिए। सुनहरा हम भून लेंगे मसाला। तीखा आप अपने हिसाब से मिर्चा ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्चा बहुत हल्का डालते हैं हम। ये हमारा देखिए मसाला हो गया। गैस बंद कर देंगे, इसको खाली कर लेंगे। ठंडा करके नारियल के बुरादे में ही मिला लिया है, फिर प्याज रोस्ट हो रहा है हमारा। इसको ठंडा करते हैं जब तक। 1 स्पून हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, हल्का गर्म करेंगे इसे। पनीर को हल्का सा चीज़ें सेकना है, लाल बहुत नहीं करना, तेज आंच पे कर लीजिएगा। हमारा हो गया, हमें बहुत लाल नहीं करना है, बस हल्का सा पानी करना है। सारे पनीर को हम खाली कर लेंगे वापस। मेरा प्याज देखिए हो गया इतना ही काला, हमको भुनना है। गैस बंद कर देंगे। प्याज को ठंडा करके इसका काला वाला जो पोर्शन है छिलका हटा देंगे। स्लाइस करके इसके मसाला जो हमने ग्राइंड किया है भी भुना है प्याज के साथ, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज देखिए हमने छिल लिया है, इसको हम हल्का से एक एक कट लगा देते हैं, थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसको हम मिक्सी में डाल के मसाले के साथ ग्राइंड करना है। मसाला देखिए हमारा बिल्कुल हो गया है, इसको खाली कर लेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है कढ़ाई में। 1 टेबल स्पून हल्का गर्म हो गया है। अभी जो मसाला हमने ग्राइंड किया है प्याज के साथ, इसको डाल के हल्का सा 1 मिनट के लिए भुनेंगे। साथ में गरम मसाला मिला देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, ये हो गया हमारा मसाला भुन गया। देखिए साइड से तेल भी छोड़ने लगा है। टमाटर प्यूरी जो बॉईल करके मैंने टमाटर प्यूरी बनाया है इसमें मिला देंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे। आधा चम्मच, छोटा चम्मच मैंने चीनी लिया है, वो भी मिला देंगे। बॉईल किया है इसे मिला देंगे। इसको भुनेंगे पहले अच्छे से। ये मसाला हमारा बिल्कुल हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। ये हमने 3 स्पून इसमें पानी मिलाया है। अभी जो हमने पनीर
हल्का सा फ्राई किया था, इसी मिला देंगे सारे। इसको हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट तक कुक कर लीजिए ढक के। ये देखिए हमारा पनीर बिल्कुल बनके तैयार है, गैस बंद कर देंगे। वेस्ट स्टाइल मटर पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। आपको हमारा ये डिश कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।